जितने भी SC ST के समाज है पूरे भारत के, एकजुट होकर के भाजपा को भगा कर रहेंगे 2024 में। भगवान राम के परछाई में राजनीति देश में कर रहे हैं और बड़ा बड़ा त्रिपुण लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, टीका लगाते हैं, उनको ठीक से न शिव पुराण याद होगा, न देवी पुराण याद होगा, न रामायण याद होगा। हम लोगों का ये कार्यक्रम जो निर्णय आज हुआ है, सभी पार्टी के लोगों के विचार विमर्श के बाद उसका नामकरण है भीम संसद और उसका स्लोगन है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। और हम लोग इन 17-18 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने कैसे इस प्रदेश में जो लंबे समय तक पिछड़े पायदान पर लोग खड़े थे उनको कैसे आरक्षण देकर के राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस आरक्षण के खिलाफ में या जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अब तक क्या काम किए गए हैं, इसका हम लोग कच्चा चिट्ठा जारी करेंगे। ये इसको आप लोकसभा चुनाव से इसको इसका महत्व को घटाइए नहीं, ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, इसको लोकसभा चुनाव से नहीं। जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, RSS के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं उसके खिलाफ सजग करके रखें कि जो हमारे जो 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है वो भी समझे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले काम बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि 5 नवंबर को वेटनरी मैदान में ये जो आरक्षण बचाओ देश बचाओ, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ और भीम संसद कार्यक्रम के तहत इसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं और इसमें जो है हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी माननीय मंत्री जो प्रमुख साथी हैं सब लोग उसमें उपस्थित होंगे और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे और जो देश में इसका मैसेज दिया जाएगा, जो संकल्प हम सबों के नेता जो लिए हैं देश बचाओ, जो भाजपा हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ, इस संकल्प को हम लोग जो है आगे इस अभियान को बढ़ाएंगे और इसको मैसेज हम लोग दे रहे हैं। इसके लिए हम आगे जो है अपने माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आप भी 2 शब्द संबोधित करें प्रेस को। माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा कर दी है लेकिन 2-3 बातों को जानना बड़ा जरूरी है कि क्या ऐसी बात हुई जिसके लिए हमें भीम संसद बुलाने की आवश्यकता पड़ी और 5 नवंबर का हम लोगों ने तारीख का निर्णय किया। जिस तरह से RSS के जो थॉट प्रोसेस है, माननीय मंत्री जी इस पर विशेष बताएंगे, जिस तरह से RSS की जो थॉट प्रोसेस है उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। आज तक पहली बार जब से विपक्ष के लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कष्ट देने के लिए तैयार हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंडिया के नाम से नफरत हो गया।
और आरएसएस का ये पुराना थॉट प्रोसेस है, दूरगामी सोच है, और पहली बार हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया गया। भारत के राष्ट्रपति के नाम से पहले से हम लोगों को कार्ड आता रहा है या लोगों को इनवाइट जाता रहा है जब कार्ड हिंदी में रहता था, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इंडिया जैसे शब्द से या तो इनको डर है या इनका सनक है कि इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। ना हम लोगों को भारत से कोई गुरेज है, ना हमें इंडिया से कोई परहेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक है। हम लोग तो बस जोड़ने की बात करते हैं, इसीलिए इंडिया के स्लोगन में लिखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हमारा कहीं कोई फर्क नहीं है, हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो भारत लिखते हैं, लेकिन आरएसएस के लोग शुरू से, जो उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स, चाहे आरएसएस के जो प्रमुख रहे हैं, उन सब लोगों ने भारत के ऊपर इंफसाइज किया है और वर्ण व्यवस्था पर, उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था ठीक है इसके बारे में उन लोगों ने चर्चा की है। और आरएसएस बार बार भारत को लेकर के कहता रहा है, जिसको कि बीजेपी के लोगों ने अपनाया, और आने वाले समय में ये लोग आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं, और वर्ण व्यवस्था के ये लोग वकालत करते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को, और पिछली बार 2015 के चुनाव के समय आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात की, और बहुत से लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आरक्षण के ऊपर बार बार टीका टिप्पणी करने का काम किया है। और जिस तरह से आरएसएस की सोच है, आरएसएस चाहता था कि तिरंगा के बदले इस देश का झंडा भगवा हो, उस तरफ पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं हम सब जो दलित परिवार है इस देश के, जो इस देश के आदिवासी दलित जो मूलवासी हैं, जो हमेशा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं, उन लोगों का ऐसा सोच है और मन में ऐसा डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और सशक्त और मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं इन लोग आरक्षण पर फिर से कुठाराघात करेंगे। इसीलिए पार्टी ने यह निर्णय किया है कि हम इस प्रदेश में भीम संसद का आयोजन करेंगे। हम इस प्रदेश में जो आरक्षण के पक्षधर के लोग हैं, जो इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके बीच जाने का काम करेंगे, जिलों में जाएंगे और इस प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि दूसरे राज्य के लोग भी अपने राज्यों में आरक्षण के प्रति संवेदना रखने वाले लोगों को गोलबंद करने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी भाजपा का हम लोग पोल खोलने का काम करेंगे। और इसी नियत से ये कार्यक्रम का हम लोग सब लोग मिलकर आयोजन कर रहे हैं। ये हम लोगों के पार्टी का ये निर्णय है और हम लोगों की पार्टी की तरफ से ये हो रहा है, लेकिन अगर हमारे अलायंस पार्टनर उसमें आने का मतलब आने में अगर वो लोग आते हैं तो हम लोगों को उससे खुशी होगी। अगर उन लोग आने की इच्छा रखते हैं, आते हैं, तो हम लोगों को खुशी होगी, लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम है और इस पार्टी के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के सभी रैंक एंड फाइल के लोगों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब आप लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी या माननीय मंत्री जी की बातों को सुना और आप उनकी बातों से बिल्कुल हम पूर्णतः सहमत हैं। अभी जो देश के हालात हैं, निश्चित रूप से आम आदमी भी समझ रहा है, नागरिक भी समझ रहा है कि देश अच्छी स्थिति में नहीं है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है,
जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी का दुरुपयोग हो रहा है और जो मुद्दे होने चाहिए देश में, महंगाई के, बेरोजगारी के, या जो राजनीतिक पार्टी है विपक्ष की जो अपनी भूमिका है वो होनी चाहिए, इस सब पर बिल्कुल प्रहार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विशेषकर केंद्र सरकार का। जो हालात आपने देखे मणिपुर में, हालात जो हरियाणा में देखे, अन्य राज्यों में देखे, उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है ऐसे मुद्दों पर जिसकी आवश्यकता नहीं है। अभी भारत और इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है। आप देखिए संविधान का जो पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दोनों का में समाहित है, उसमें इंडिया भी भारत भी, तो इसमें कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है और इस मुद्दे को बेवजह उछाला जा रहा है और मीडिया के लोग इसे हवा दे रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हमारी जो गोष्ठी हुई, हमारी जो चर्चा हुई आपस में और पार्टी का जो हमें निर्देश मिला, तो हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि जब संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और उस जो कार्यक्रम का हम लोगों ने जो होने वाला है 5 नवंबर को, उसका नाम रखा अंबेडकर संसद, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। और इसमें जो साथी हम लोगों के साथ जुड़ पाएंगे वो सभी इसमें आ सकते हैं, आमंत्रित हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे पूरे राज्य में, सभी जिलों में, सभी पंचायतों में, गांव में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक तौर पर जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज में समाज के वंचित वर्गों को जगह दी, आर्थिक रूप से जिस तरह से उत्थान किया, सामाजिक रूप से जिस तरह से स्थान दिया, तो निश्चित रूप से उसे पुनः दोहराने की जरूरत है। और इसकी जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी खतरे में है। और निश्चित रूप से जो इंडिया का गठन हुआ है उसमें समाज के अधिकांश लोग, जागरूक लोग सभी साथ हैं और निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव के में महागठबंधन की बिहार में और इंडिया की जीत होगी, हम आश्वस्त हैं। और इसी से घबरा करके आप देख रहे हैं कि विशेष संसद का सेशन बुलाया गया और जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं केंद्र सरकार या भाजपा की सरकार अन्य प्रदेशों में, वो निश्चित रूप से जो समाज के वंचित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनके खिलाफ है। और जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बहुत कमी आ गई है। तो पुनः हम सभी मिलकर के, इंडिया के लोग, महागठबंधन के लोग और समाज के जो भी वंचित दलित समाज के लोग हैं, सब लोग साथ आएंगे और निश्चित रूप से एक संदेश देंगे न सिर्फ राज्य में लेकिन पूरे देश में कि हमें जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है और मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे आने वाले समय में केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। और आप देखेंगे कि इंडिया की जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी और ये जो वर्तमान व्यवस्था है जो समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, इसमें निश्चित रूप से बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आज हम लोग अंबेडकर संवाद के लिए, संसद के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका मुख्य उद्देश्य है देश बचाओ भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ भाजपा भगाओ। और आजकल भाजपा के लोग ने एक स्लोगन छोड़ा है देश के जनता को भटकाने के लिए, जो इंडिया अंग्रेजी से अंग्रेज का लिख दिया हुआ है और उसमें लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो मैं
केंद्र सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप सभी के चैनल के माध्यम से 500 रुपए का जो नोट है या जो भी नोट है उसमें इंडिया लिखा हुआ है, देखिए सब आदमी देखिए इंडिया लिखा हुआ है। 20 रुपए के जो नोट सिक्का का जारी किया है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। 20 रुपए का जो नोट अभी सिक्का का जारी किया है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। पैन कार्ड जो है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। आधार कार्ड जो है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। जमीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं उसमें भी स्टाम्प पेपर पर इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, जो कहाँ कहाँ इंडिया को हटाएंगे? इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछता हूँ कहाँ कहाँ इस इंडिया शब्द को हटाएंगे। और इंडिया की गठबंधन जो हुई है इंडिया से उन्होंने घबरा गया। क्यों घबरा गया? बीजेपी के लोग जब बी मतलब भ्रम, जो मतलब जनता, पी मतलब पार्टी, ये जनता के बीच भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, इस भ्रम को तोड़ने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।